नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने सपत्नीक महाकाल का आशीर्वाद लिया, बेटे भी साथ थे। नंदी हॉल से आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। पूजन के बाद राज्यपाल का मंदिर समिति की ओर से सम्मान किया गया। रीवा जिले में पनवार के अपराधी से पुलिस त्रस्त हो गई। काफी प्रयास के बाद भी जब आरोपी नहीं मिला तो रीवा एसपी ने पीएचक्यू को पत्र भेजा है। वहां डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने फरार आरोपी शिरीष सिंह बघेल पुत्र रमेश बहादुर निवासी रघुनाथपुरा यानी थाना पनवार की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। भोपाल से मंडी दीप बिल्किसगंज नहीं जाएगी। 56 सिटी बसें नगर निगम सीमा तक ही चलेंगी। 40,000 यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक मजदूर को अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। ऐसे में आक्रोशित मजदूरों ने देखा चौराहे में चक्का जमकर विरोध जताने लगे। बवाल की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस समझाइश देने आई तो मजदूर भड़क गए। आक्रोशित श्रमिकों और पुलिस के बीच बहसबाजी होने लगी। मेहर के करिया पानी में चाकूबाजी में महिला की हत्या कर उसके बेटे बेटी को भी घायल कर देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के बिटन मार्केट में 70 लाख से सजा पंडाल, आयोजकों का दावा 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इंदौर में केरल के निगम कमिश्नर की मौत, 50 सदस्यों की टीम के साथ दौरे पर आए थे, MY में हुआ पोस्टमार्टम। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की जीप मंगलवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोकायुक्त SP संजय साहू सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। लोकायुक्त पुलिस की टीम डिंडौरी से रेड की कार्रवाई कर वापस जबलपुर लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। 1 पुलिसकर्मी के सिर पर चोट आई है। गर्भों में युवाओं की भीड़ में मतदान का संदेश, लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे गरबा पंडाल। इंदौर की इवेंट मैनेजर को प्रॉपर्टी ब्रोकर ने ठगा, 60 लाख के प्लॉट के बदले 5,76,000 ठगे, क्रेडिट कार्ड से लोन भी ले लिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही मुख्य खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।